नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। लालबर्रा विधानसभा बालाघाट क्षेत्र क्रमांक 111 से भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने 10 नवंबर को भरवेली में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद श्री ने लालबर्रा विकासखंड के ग्राम मोहगांव चौक पर चुनावी आमसभा को संबोधित किया। सभा प्रारंभ होने से पहले श्री बिसेन अपने कार्यकर्ताओं के साथ चांदनी चौक मोहगांव से गाजे बाजे के साथ सभा स्थल पहुंचे, जहां सर्वप्रथम वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सभा को सर्वप्रथम संबोधित करते हुए पूर्व विधायक लांजी रमेश भटेरे ने कहा कि कुछ लोग जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वीरांगना रानी अवंतीबाई ने देश के लिए अपना बलिदान दिया था, ना कि समाज के लिए। तो फिर जात समाज के नाम पर बरगलाना बंद करें। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर लोधी समाज की गौरव प्रहलाद सिंह पटेल जी को भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी तो वो भाजपा के विधायक के वोट से या कांग्रेस विधायक से, इसलिए किसी के बहकावे में ना आकर विकास और गौरी भाव के साथ चलें। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि भाजपा में सभी का सम्मान होता है, हमने विकास किया है और जनता विकास के साथ आगे बढ़ेगी, किसी के बहकावे में नहीं आएगी। एक और परसवाड़ा में श्री मुंजारे कमलनाथ और कांग्रेस को कोस रहे हैं और यहाँ मेरी बहन कमलनाथ और कांग्रेस के नाम पर सभी को बरगला रही है। हमने आपको 30 करोड़ का उच्च स्तरीय पुलिया दिया है, जिसने बन जाने से बालाघाट की दूरी आपके गांव से 15 किलोमीटर कम हो गई है। आगामी दिनों में ग्राम पंचायत धपेरा में पीएम श्री स्कूल स्वीकृत हो चुका है, जिसका निर्माण जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पता नहीं है कैसे उनके मन में गया, लाल जी कहने आईडिया को बंद करेंगे और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कहती है लाल जी कहने आईडिया को 3000 तक पहुंच जाएंगे। फैसला आपको करना है कि सच के साथ चलना है या जो झूठ के रास्ते पर चलता है उनके साथ चलना है। कांग्रेस के नेता जो जाति